इस प्रकार से आप देख सकते हैं कैसा ग्राम में एक दूसरा नाग अभी अभी पकड़ा गया है। ग्राम सुरावा निवासी ऋषि हरिवंश पटेल हमारे बीच में, जिन्होंने इस नाग को पकड़ा है। किस तरह से आपने इस नाग को पकड़ा? इस नाग को बड़ी सरल सुभाव से पकड़ा, बड़ा अच्छा लगा, पकड़ने का भी अच्छा लगा मेरे को। और नगर वासियों से, आपने देश के सभी वासियों से यही कहूंगा, कभी ऐसे जीवों को कृपा न मारे कि जो कि बेकसूर हत्या कर देते हैं, ये बदनाम करते हैं कि सांप जो छू जाने के बाद सात समुंदर पार करके आएगा। इस तरह से लोगों का कहना होता है, ये कहना है। तो आपका कहना है कि ऐसा अदला बदला की कोई बात नहीं, आपने तो हजारों नाग इस तरह से पकड़ करके उनको सुरक्षित पहुंचाया है। जीवों को मैंने पकड़ के विदाई किया और सुरक्षित जंगल में छोड़ा, पक्षी से लेकर। मगर मेरा कहना यही है कि इन जानवरों जैसे जीव को कृपा ना मारे, अनबोला जीव को। हाँ, बदला कौन लेता है? मानव शरीर जरूर लेती है, जब तक उसका दम नहीं टूट जाता तब तक वो षड्यंत्र। आज का इत्तेफाक का दिन था कि आज सूचना मिली अभी अभी जस्ट 15 मिनट के दौर में दो नाग पकड़े गए। जी 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 जी, ठीक है। एक आपका ये है, एक उसको उठा करके लाइए जरा, वो वाला डिब्बा, उसको भी सामने। तो दो नाग पकड़े गए अभी आपने भट्ठा से निकाला, श्री गुसेन पटेल जी के भट्ठा से, जो ईंट का भट्ठा है वहाँ से आपने इसको निकाला। बड़ी सरलता से आपने इसको निकाला, सब लोग देखने वाले थे। तो ये तकनीक के विषय में किसी और लोगों को आप जानकारी उपलब्ध करवाएंगे और क्या बता रहे हैं? आप देखिए, दूसरा नाग, पहला नाग जो पकड़ा गया था, ये ददुआ पटेल हैं, इनके घर के सामने से ये नाग पकड़ा गया है, आपके सामने है। और ये दूसरा नाग अभी ये उग्रसेन पटेल जी के भट्ठे से इसको निकाला गया है, पकड़ा गया है। और ये बहुत ही खतरनाक नाग था, और जिस तरह से आपने इनको पकड़ा है यह बहुत काबिले तारीफ है, सबके बस की बात नहीं है। तो ये आपका संदेश आम जनता के लिए, सबके लिए क्या है विशेष? हमारा जनता के लिए संदेश यही है कि कभी भी जानवर कभी निकला है तो कृपा मारे ना, थोड़ा इंतजार करने का प्रतीक्षा रखें, सूचित कर दें संबंधित को। कोई अगर आसपास में ऐसे कलाकार हैं तो पकड़ेंगे। और कैथा ग्रामीण अंचल में तो हमारे आप शिवानंद दादू हमारे है ही, कि अगर जानकारी मिलेगी तो 2 बजे रात या 3 जितनी देर खबर मिलेगी तो दौड़ेंगे इस कार को सफल करके हमको जानकारी। अब इन दो नागों को आपने पकड़ा आज, इनको क्या करने का इरादा है? अभी इनको इरादा यही कि इनको जंगल में छोड़ा जाएगा। अच्छा, एक नाग जो पहले पकड़ा गया था वो काफी घायल है, उसको बच्चों ने साथ पत्थर मारा हुआ है, तो उसको क्या किया जाएगा? अभी पानी में उसको डाल करके और थोड़ा उसको धोया जाएगा, इलाज किया जाएगा, फिर इसके बाद उसको चोट पर जहाँ पर है तो वहाँ पर पाउडर या कोई ऐसे तेल का देंगे कि जो चिकनाहट बन जाए उसको। आप दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के तौर पे लगभग दशकों से आप कोतमा में, अनूपपुर में आप कार्यरत हैं और इस तरह से आप सर्विस दे रहे हैं। फिर अभी होली का समय था तो आप यहाँ पे छुट्टी में आए हुए थे, तो छुट्टी के दौरान आपने यहाँ भी आपने इस तरह से सेवा की है। और इन बिरले हो रहे इन जंतुओं को, जिनको हर कोई मारना चाहता है, खत्म करना चाहता है समाज से, उनको आपने बचाने का कार्य किया है, ये काफी महत्वपूर्ण कार्य है। अब इसके बाद अगला क्या आपका प्लान रहेगा? अब हमारा प्लान यही रहेगा कि जब तक कि अगर हमारे न रहने पर जानकारी कहीं मिलती है तो शिवानंद दादू को जानकारी दें, अगर नहीं कंट्रोल होता है तो हम फोन से भी उसको कंट्रोल करने का शिक्षा रखेंगे। जी जी, जो फोन से हमारे कंट्रोल होगा साहब, आओ शिवानंद दादू पकड़ के उसको जंगल में छोड़ेंगे। अभी हमारे बीच में कुछ लोग हैं, हम उनसे भी, आप ददुआ पटेल जी हैं, ये नाग आपने हाथ में पकड़ा हुआ है, सामान्यतया तो भय लगता है, अब आपको क्या लगता है जिस प्रकार से हरिवंश पटेल जी ने अपने गले में इसको लटकाया रखा हुआ है, तो अब क्या भविष्य में भी आपको इसी तरह से डर लगेगा कि ये बदला लेने आएगा इस तरह से? आपको लगता है नहीं डर लगता है? आपको क्या लगता है कि इस तरह से बदला लेने आता है? कभी नहीं। यदि बदला लेने आता तो आपने हजारों पकड़े हुए हैं तो जरूर बदला लेता। आप काफी अभी डर रहे थे, उग्रसेन पटेल जी हैं, इन्हीं के भट्टे से नाग निकला हुआ, काफी आप डर रहे थे, अब आपको डर क्या अभी भी डर लग रहा है? अच्छा, अभी भी आपको डर लग रहा है। तो कुछ लोगों का डर अभी भी खत्म नहीं हुआ। हमारे बीच में बी एस पटेल जी हैं, जो बी एस एफ के रिटायर्ड इंस्पेक्टर हैं। ये नाग आपके भाई साहब के भट्टे से निकला और एक आपके पड़ोसी, आपके सहना जो हैं उनके घर के पास से निकला, ये इस तरह से क्या आप देखते रहते हैं यहाँ पे नाग निकलते हुए? ऐसा है कि ये कहावत है कि शिवरात्रि के बाद शंकर जी ने जटा को फुकाड़ देते हैं, उस समय जितने भी ये सांप और अन्य विषैले जानवर हैं वो बाहर आ जाते हैं। तो आम पब्लिक क्या करती है कि उसको देखने के बाद खदेड़ के मार देती है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। हम तो जंगलों में रहते थे और सांपों के बीच में रहते थे तो कभी ऐसा केस नहीं हुआ। और कोई भी जानवर या इंसान बदला तभी लेता है जब उसको बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाए। फिर भी ऐसा नहीं है कि सांप को अगर आपने छू दिया है या भगा दिया तो बदला लेगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसके पास सिक्स सेंस, बुद्धि नहीं होती है, आदमी जैसे बुद्धि नहीं होती है। जी बिल्कुल सही बात है आदमी। दूसरा, ये अभी थोड़ा सा गर्मी आ रही है और सर्दी जा रही है, इसमें इन जानवरों का ज्यादा जोर रहेगा, लोगों को सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए।
ऐसा कुछ नहीं है और अभी तो सदियों से चला आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, नहीं था ऐसे कोई केस हुए हमारे गांव में। बिल्कुल, जैसे आपके सामने श्री हरिवंश पटेल जी हैं, अब इन्होंने इतने सारे नागों को पकड़ा हुआ, इन्होंने स्वयं बताया है कि 10,000 से अधिक इन्होंने नागों को पकड़ा हुआ है, सुरक्षित स्थानों पर छोड़ा हुआ है। तो यदि बदला लेने के लिए आता तो निश्चित तौर पर इनसे भी बदला लेता, लेकिन बदला नहीं लिया। आप देखिए इसका ये इलाज कर रहे हैं, इसमें पानी डाल रहे हैं, पानी डालने के बाद इसमें देखिए काफ़ी खून इसके शरीर में आ गया है, लाल हो गया है पूरा। हम आपको बता दें कि कुछ बच्चों ने इसमें पत्थर मार दिया था जिसकी वजह से गड्ढे में इसको चोट लग गई थी, और नाग को अब ये उपचार कर रहे हैं, उसके घाव को धो रहे हैं, उसमें कुछ दवा भी करेंगे। और दूसरा वाला जो नाग अभी पकड़ा गया है वो इस डिब्बे में है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। हमें जानकारी श्री कन्हैया लाल माझी के माध्यम से प्राप्त हुई, जो हमारे यहाँ पे शिक्षा के कथा स्कूल में। या आपको जानकारी कहाँ से मिली जब आपने हमें जानकारी उपलब्ध कराई? मैं घर पर था, कुछ लोगों ने ये बताया कि दादू राम सेन के घर पर सांप है, तो मैं भी वहाँ पर गया और फोन के माध्यम से शिवानंद द्विवेदी को मैंने सूचित किया। और मैंने ये जानकारी जो इसमें एक्सपर्ट हैं श्री हरिवंश पटेल जी जो इसका उपचार कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि लाल हो गया है काफी हद तक, वो उसमें चोट लगी हुई थी उसका वो उपचार कर रहे हैं। इनके माध्यम से इनको हमने अपने माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराई और हमारे बीच में आए। आपने सिर्फ एक नाग की जानकारी दी थी, हमें यहाँ पे पता चला कि दो दो नाग हैं और दो नाग यहाँ पे पकड़े गए। तो इस प्रकार से आज का दिन कुछ इत्तफाकी कहा जाएगा। बिल्कुल, आज का दिन बहुत ही इत्तफाकन इस तरह से कन्हैया लाल माझी जो हमारे यहाँ शिक्षक हैं कथा स्कूल में, कथा शासकीय प्राथमिक पाठशाला में, और ग्राम क्षेत्र के अन्य लोग जिनसे हमने आपको अवगत कराया, और जो दो नाग यहाँ पे पकड़े गए उनका उपचार चल रहा है, इसके उपरांत इनको सुरक्षित जगह पे छोड़ा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि देखिए इस नाग को बच्चों ने कहीं ना कहीं पत्थर से मारा जिसकी वजह से इसकी काफ़ी चोट लग गई है, और चोट लगने की वजह से जो खून निकला हुआ है तो उसमें जब पानी डाला गया डिब्बे में तो वो लाल रंग का हो रहा है। तो इसमें इसका मतलब इसमें काफ़ी चोट लगी हुई है, इसका इलाज किया जाएगा। और कैसे इलाज करेंगे श्री हरिवंश पटेल जी जो इसमें एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने कई हजार नाग जंगली जीवों इस तरह से उनको जीवन दान दिया है, सुरक्षित पहुँचाया हुआ है, जिसको किया समाज एक्सेप्ट नहीं करता है। कहीं भी यदि सर्प निकल आए, चाहे वो जहरीला ना भी हो, फिर भी लोग डंडे लेकर के आ जाते हैं, उसको मार देते हैं। पर आपका काम काबिले तारीफ है, और इस तरह से हम आपको बाकायदा दिखाते हुए ये पूरा प्रकरण कैथा गांव का है, और इस तरह से आसपास का नज़ारा आप देख सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र का। ये आसपास का आपका नज़ारा है, आप हरी भरी फसलें, कुछ पकती हुई फसलें इस प्रकार से देख सकते हैं इस मौसम में। आज 24 मार्च वर्ष 2019 का समय है, और ये सब नज़ारा आपको दिखाते हुए मैं आपको वापस लिए चलूँगा यहाँ से। और जंगली जीवों के प्रति, वन्य प्राणियों के प्रति एक जन जागरूकता को फैलाते हुए, लोगों को इसके अवगत करवाते हुए कि सभी जीवों में एक ही ईश्वर का अंश होता है, एक ही परमात्मा निवास करता है, एक ही आत्मा निवास करती है, और किसी को दुख पहुंचाना, कष्ट पहुंचाना सर्वथा अनुचित है। और ये है बात लोगों को धीरे धीरे समझ में भी आ रही है, और इसी के साथ मैं आपको वापस ले चलूंगा। मैं शिवानंद द्विवेदी, धन्यवाद। रीवा मध्य प्रदेश से थानागढ़ अंतर्गत कैथा ग्राम पंचायत का मामला है। जी हाँ, कैथा ग्राम पंचायत में कैथा ग्राम का ये मामला है। धन्यवाद।